जालौर सिरोही लोकसभा क्षेत्र है जो हॉट सीट है। वजह है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सुपुत्र वैभव गहलोत वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने के साथ ही इस सीट को और हॉट कर दिया है। सिरोही की अगर बात करें जहां से हमारे संवाददाता इस वक्त राकेश कुमार जुड़े हुए हैं, और दो चीजें, जहां वो खड़े हैं कुछ किलोमीटर ऊपर माउंट आबू है, नीचे वो सिरोही में खड़े हैं, यहां गर्मी अच्छी खासी बढ़ती है। माउंट आबू में अगर आप बात करें तो राजस्थान के इकलौता एक हिल स्टेशन है जहां सुकून मिलता है। राकेश, आप जहां से बात कर रहे हैं मेरे से वहां गर्मी पड़ती है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही सुनील आचार्य से बात हो रही थी, वो माउंट आबू में है, वहां का पारा और यहां के पारे में करीब 6 से 7 डिग्री का अंतर आ जाता है, तो क्या स्थिति है? वोटर्स के उत्साह की बात करना चाहूंगा मैं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से यहाँ पर जो लोकतंत्र का जो ये महापर्व है उसको लेकर जो वोटर हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिला है। सुबह जो 7 बजे जैसे मतदान शुरू होना था उससे पहले ही यहाँ पर बूथों पर मतदान जो केंद्र है वहां पर लंबी लंबी कतारें लग चुकी थी। हम सुबह 7 बजे वहां मतदान केंद्र पहुंचे, उससे पहले ही लोग वहां उत्साहित नजर आए। साथ ही जो उस प्रकार से जब महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का भी खासा उत्साह यहाँ देखने को मिला। जिस प्रकार से अभी जो कह सकते हैं कि सुबह 9 बजे का जो आंकड़ा है वो भी अब आ चुका है। सिरोही जो विधानसभा है उसमें 11.89% मतदान हुआ है, वहीं पिंडवाड़ा में जो है 13.39% मतदान हुआ है, वहीं रेवदत्त जो विधानसभा है उसमें अभी कम परसेंटेज हुआ है, 7.18% का मतदान हुआ है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि पोलिंग बूथ पर अभी लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है, लोग घरों से निकल रहे हैं और अपना जो वोट है वो वोट देने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। वही कुछ जगह जैसे वराड़ा की बात करें तो वराड़ा में ईवीएम मशीन जो है वो खराब हो गई थी, तकनीकी कारण से उसको बदला गया है और कुछ देर यहाँ पर जो वोटर परेशान भी हुए। और जिस प्रकार से हम बात करें सिरोही जिले की, तो सिरोही जिले में एक जो है जो रोहिड़ा थाना क्षेत्र है वहाँ मांडवाड़ा जो देव गांव है वो बूथ संख्या 135 है, वहाँ थोड़ी सी जो मतदान केंद्र में जो सुरक्षा कर्मी है और मतदाता जहाँ पहुंचे थे उसमें कोई अभद्रता जो है वो सामने आई है। कुछ देर वहां जो मतदान है वो रोक दिया गया था, उन्होंने मतदाताओं ने अपना जो मतदान है वो बहिष्कार कर लिया था, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद मतदान फिर से शुरू हो चुका है। जो सुरक्षा कर्मी है वहां लगाए गए थे उनको अभी हटाया गया है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि सिरोही जिले की बात करें तो सिरोही जिले में अभी फिलहाल जो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी राकेश, ईवीएम खराब बता रहे हैं आप एक बूथ पे, अभी क्या जानकारी है, वहां मतदान शुरू हो चुका है या रिप्लेस की जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जो सिरोही तहसील है उसकी जो बरलूर थाना क्षेत्र है वहां वराड़ा जो गांव है उस वराड़ा गांव का जो ईवीएम मशीन है वो खराब हो चुका था और खराब होते ही तकनीकी कारण से उसको तुरंत प्रभाव से उसको रिप्लेसमेंट कर दिया गया, बदल दिया गया है। अभी नया ईवीएम मशीन आने के बाद उस वहां पर सुचारू रूप से जो मतदान है वो सुचारू सही हो गया है, अभी वहां पर जो वोटर है वो मतदान कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो राकेश कुमावत हमारे संवाददाता सिरोही से हमारे साथ में जुड़े। मैंने कहा कि जालौर सिरोही लोकसभा सीट है, वैभव गहलोत और लुम्बाराम वहां से मैदान में, अन्य प्रत्याशी भी अपने भाग्य को आजमा रहे हैं, लेकिन मुकाबला काफी रोचक है और वह साख दाव पे लगी हुई है। यहां पे गौर करने वाली बात यह होगी कि राजस्थान में 2 पूर्व मुख्यमंत्री और दोनों के ही सुपुत्र मैदान में है, एक वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह झालावाड़ 12 से चुनाव मैदान में है, वो 5वीं बार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ वैभव गहलोत अपनी सियासी पारी का खाता खोलने के लिए आतुर हैं, इससे पहले भी वो चुनाव जोधपुर से लोकसभा का लड़ चुके हैं लेकिन गजेंद्र सिंह से लगभग 3.25 लाख मतों से हार चुके थे और अब क्या होगा ये देखने वाली बात है। तो जालौर सिरोही सीट काफी हॉट सीट है और इस हॉट सीट पे हॉट मुकाबला भी है, लेकिन अब रिजल्ट का इंतजार होगा कि मतदाता ने क्या गुल खिला है।